जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज E24 में स्वागत है। तो देखिए, इधर से आप सभी का बार बार एक ही कमेंट आ रहा था, सर बार्क वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट, ड्राइवर या स्टेनोग्राफर, इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं और आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बहुत सारे अफवाहें जैसे अभी फैल रही है कि क्या वर्क असिस्टेंट का पोस्ट कैंसिल कर दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, तीनों पोस्ट कैंसिल कर दिया गया, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये लिख के देता हूँ कि क्लियरिफाई हो जाएगा कि पोस्ट कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, या एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम डेट तो जानेंगे ही, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, इन तीनों पोस्ट का एग्ज़ाम आप लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आइए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, और उसके साथ साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जितना लाइक आता है उतना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो ला सकूं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपके बीच दे सकूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर एग्ज़ाम डेट को लेकर आपके बीच जो भी कन्फ्यूज़न है, और इससे भी पहले कि आपके बीच ये भी कन्फ्यूज़न है क्या वर्क असिस्टेंट का पोस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़न अभी ही हटा दीजिए। ठीक है, ये मैं लिख के देता हूँ, 100% इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और देखिए, ये वैसे स्टूडेंट इस बात को लेकर अफवाह फैला रहे हैं जो नॉलेज E24 से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि अगर आप लोग जुड़े होते नॉलेज E24 से तो इससे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट का एक नोटिस आया था। ठीक है, नोटिस में साफ साफ लिखा गया था कि इसका एग्ज़ाम जो है ऑन द प्रोसेस पे है और सिक्स मंथ के अंदर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद भी स्टूडेंट के बीच ये क्वेश्चन आते रहता है क्या सर इस पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया, मैंने तो उसी यूट्यूब पे या दूसरे किसी यूट्यूबर के का वीडियो देखा था जिसमें पोस्ट कैंसिल कर दिया गया। तो आप लोग अफवाह में मत रहिए, ठीक है, गलत फहमी में, और आप लोग बस नॉलेज E24 से जुड़ के रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी 100% एक्यूरेट मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और जिनके भी बीच अभी भी कन्फ्यूजन है कि इस एग्ज़ाम इसका कैंसिल हो गया पोस्ट या नहीं हुआ, तो आप लोग लिख के लीजिए 100% इसका एग्ज़ाम होगा। और इसके एक्सपेक्टेड अगर हम लोग डेट की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर में फिक्स है, नवंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में 100% एग्ज़ाम होगा, ये आप लोग लिख के लीजिए, नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ और उसमें ये क्लियर मैं नहीं बताया हूँ कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा या नवंबर में ही होगा, मैंने हर एक वीडियो में आपको क्या बताया था इसका एग्ज़ाम होगा, ये आप लोग फिक्स रखिए। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा और 100% नवंबर में ही होगा, जो कि सेकेंड वीक, नवंबर के सेकेंड वीक से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट के पास कन्फ्यूज़न था इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और इसका एग्ज़ाम डेट हो डेट जो है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, और करीबन जो इसका एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक ही दिन में इसका प्री और एडवांस दोनों आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, दोनों पेपर हो जाएंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसका जब भी पेपर होता है, बस पिछले बार 2019 को छोड़कर, क्योंकि 2019 में कोरोना के कारण क्या हुआ था कि इसका एक पेपर प्रीलिम्स कोलकाता में लिया था और एडवांस पेपर मुंबई में लिया था। तो इसके अनुसार अगर आपके बीच कन्फ्यूज़न है तो इस रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसमें कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि अभी आपके पास करीबन एक से दो मंथ एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, अब लास्ट टाइम में कैसे पढ़े कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है और इसके कट ऑफ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है।
तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसका जो पेपर होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा। चाहे आप लोग इसके प्रीलिम्स का पेपर दीजिए या एडवांस का, दोनों जो होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा, और 10 से भी लो लेवल का होगा। जो क्लास 8 का ही अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं वो भी इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप लोग फर्स्ट अटैम्प में ही क्रैक कर सकते हैं, और जो नहीं देखे होंगे वो इसके ऑफिशियल पेपर जाके देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या इसका प्लेलिस्ट बना हूँ वहाँ पे भी मैं इसका पेपर करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 8 ठीक है और 10th, अगर आप लोग NCERT पढ़ लेते हैं तब तो 100% श्योर है कि आपका बनेगा ही। अगर NCERT नहीं पढ़ते, शॉर्ट नोट्स भी अगर NCERT के पढ़ लेते हैं तो 100% एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वही पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इसके साथ ही क्लास 8 का और 10th का, ठीक है 10th का देखिए ज़्यादा आता भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 10 ही क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज से, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया एक क्वेश्चन, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास 8 ही अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100% आपके यहाँ पे एग्जाम। जिनके बीच कन्फ्यूजन है एडवांस पेपर को लेकर, तो एडवांस पेपर भी आपका सेम लेवल का होता है, ऐसे नहीं कि एडवांस है तो एडवांस में आपके 12th के क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं, एडवांस इसका पेपर है, एडवांस में भी सेम पैटर्न रहेगा आपका, सेम क्लास से 10th का पढ़ के जाइए। बस एडवांस में क्या होगा कि 10th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है तो 45% या 40% के आसपास 10th से पूछे जाएंगे, उसके बाद क्लास 8 से आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10% जो होगा इस दोनों क्लास के बीच में पूछे जाते हैं। तो ऐसा आपका हो गया। प्रीलिम्स में जो है वो 60-70% जो है वो आपके क्लास 8 से ही आते हैं, फिर 15% जो है वो क्लास जो आपके हैं 10 से आएंगे, अदरवाइज जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आएंगे जो बचा हुआ परसेंटेज है। तो इस प्रकार आप लोग इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, या आप लोग कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छे से सारा टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा, PYQ सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।